जौहरा से इलाज के लिए एक बच्चा इंदौर लाया गया है जिसके कई शारीरिक अंग एक से ज्यादा है। जहां एमवाय अस्पताल में इस बच्चे का इलाज जारी है, वहीं डॉक्टर इस बच्चे की सर्जरी को असंभव बता रहे हैं। बच्चे का इलाज फिलहाल एमवाय अस्पताल में जारी है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल जावरा के रहने वाले सोहेल खान के यहाँ जो बच्चा जन्मा है वो दुर्लभ है। डॉक्टर ने इस नवजात का उपचार करने के लिए उसे इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर किया। बच्चे को जब एमवाय अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि नवजात के 2 सिर 3 हाथ 2 रीढ़ की हड्डी और 2 पैर है। फिलहाल बच्चे का आईसीयू वार्ड में इलाज जारी है। साथ ही इस तरह के केस में सर्जरी नामुमकिन होती है। रतलाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया जो कि ऑपरेशन द्वारा हुआ गया। इस बच्चे को पहले से ही मालूम था कि जुड़वा है, लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं थी। शायद उन्होंने वहाँ नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की, वो नहीं हो सकी, तो उन्होंने ऑपरेशन से डिलीवरी की। जब बच्चा डिलीवर हुआ तो पाया गया कि उसके 2 सिर हैं 3 हाथ हैं, ऊपर का हिस्सा ज्वाइन होके नीचे की तरफ फिर कॉमन हो गया है। इस तरह के बच्चे बेसिकली एक तरह के कंजॉइंट ट्विंस है। कंजॉइंट ट्विंस नॉर्मली हम कई बार सुनते हैं कि जुड़वा बच्चे होंगे, 2 बच्चे एक साथ हुए। जब वो दोनों बच्चे जुड़े हुए नहीं होते तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। जुड़वापन बच्चों का बहुत कॉमन है। ये यूजुअली जब 2 एग्स एक साथ फर्टाइल हो जाएं गर्भाशय के अंदर तो ये फिनोमिना है, और ये नेचुरल भी होता है। आजकल कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं जो इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको आप टेस्ट ट्यूब के भी बोलते हैं, उसमें चूंकि ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है तो उसमें भी संभावना 2 जुड़वा बच्चों की होती है। बट जुड़े हुए 2 बच्चे इनको कंजॉइंट ट्विन बोलते हैं। कंजॉइंट ट्विन्स में 60% बच्चे कंजॉइंट होते हैं वो या तो गर्भावस्था के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं या अबॉर्ट हो जाते हैं। कुछ जो बच्चे जुड़े होते हैं कभी सिर से जुड़ते हैं, कभी छाती से जुड़े होते हैं, कभी पेट से जुड़े होते हैं, या कभी हमारा पेल्विस पीछे के हिस्से से जुड़े हुए होते हैं। जब ये दोनों बच्चे सेपरेट नहीं हो पाते जुड़े रहते हैं तो कंजॉइंट ट्विन बोलते हैं। ये भी एक कंजॉइंट ट्विन का ही वेरिएशन है। इसको बेसिकली पेरापेगस डाइसिफ्लस है, ये मतलब 2 सिर और बाकी नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत रेयर है। जितने कंजॉइंट ट्विन्स के रिपोर्टेड लिटरेचर में बच्चे हैं उसका 0.05% इसका इंसिडेंस है। इसको बच्चे को यूजुअली कोई ना कोई अनामली होती है। इसको भी जैसे हार्ट, दोनों के अलग अलग हार्ट हैं, दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स भी, हमने इकोकार्डियोग्राफी कराई है, रीढ़ की हड्डियाँ भी 2 हैं, पेट के कुछ ऑर्गन्स डबल हैं और कुछ सिंगल है। अभी MRI कराना बाकी है, जब बच्चे की कंडीशन स्टेबल होगी तो हम MRI भी कराएंगे। बट इसमें सर्जरी करने का कोई स्कोप नहीं है और कोई रोल भी नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चे पूरी तरह 2 विकसित हों और केवल पेट से जुड़े हों तो उनको अलग अलग किया जा सकता है, तो इसमें सर्जरी का तो अभी कोई काम नहीं। हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमने दूध भी चालू कर दिया है फिलहाल और ऑक्सीजन पे है, IV फ्लूड दे रहे हैं, कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं। फिलहाल बच्चे का ICU वार्ड में इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।